अरे पापा टुक टुक कहाँ हो तुम लोग? अरे पापा बिजली चेक करने आ रहे हैं। क्या क्या तुम्हारे घर में वापर हो रहा है? क्या क्या है? टीवी फ्रिज कूलर सब देख रहे हो। जिसके घर में ज्यादा वापर है ना सीधा बिजली उखाड़ के लेके जा रहे हैं, मीटर उखाड़ के। हाँ इसलिए मैं पहले बता रहा तुम लोग को भैया कि घर में जो कुछ भी चीज है टीवी फ्रिज कूलर पंखा सब बंद कर दो और ज्यादा का ज्यादा हो तो छुपा के रख दो भैया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपने घर में इतना सारा सामान है। पहले बता रहा मैं, अगर लेके गया तो फिर मेरे को नहीं बोलना बाद में कि बताया नहीं करके। अरे बिजली कौन बिजली आ रही बेटा? अरे मामा तुम फिर चालू हो गए यार। बिजली के घर वाले आ रहे घर देखने के लिए। तुम लोग ने मेरे को दो पल में पर आया कर दिया। अरे तुम लोग ने मेरे को पूछे तक के नहीं यार। तुम लोग के लिए मैं घर का सदस्य नहीं हूँ क्या? हाँ तुम अकेले अकेले जाकर रिश्ता पक्का करके आ गए, आज घर देखने आ रहे, मेरे को पूछे तक के नहीं। बता मैं तुम लोग के लिए इतना पर आया हूँ क्या? कह रहे हाँ मैं इस घर का सदस्य नहीं, मुझे एक बार बताए तक के नहीं ना पूछे तक के नहीं। हाँ मामा माफ कर दो जी, माफ कर दो, नहीं बताया उसके लिए। बस बस चुप रहो तुम बस। अरे भाई रा बिजली चेक करने आ रहा है कोई लड़की देखने नहीं, तू गलत समझ रहा है। जब से बड़बड़ 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 किए जा रहा है गुड़बक कहीं का, चुप चाप रहा है बिल्कुल। ओए टुक टुक पापा। ओ भैरा मामा इधर इधर इधर। हाँ हाँ आप सबको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि घर में अपना मीटर सिंगल पॉइंट है, अपने घर में फ्रिज है कूलर है टीवी है पंखा है लाइट है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलना हमारे घर में लाइट है, ठीक है? अगर उसको पता चला कि ये सब चीजें है हमारे घर में तो सीधा आएगा बिजली काटेगा और लेके चले जाएगा। फिर बाद में मेरे को नहीं बोलना कि तुम लोग ने मेरे को बताया नहीं ना ऐसा हो गया ना वैसा हो गया करके, मैं पहले ही बता दिया हूँ आप सबको, ठीक है? कोई कुछ नहीं बताएगा समझे क्या? तो खूब मार पड़ेगी। हाँ हमारी ऐसी की तैसी। आओ पापा। चल नवीन भैरा मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम लोग निपटा लेने क्या है तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है पापा ठीक है ठीक है। अरे भैया तुम्हारा मीटर कहाँ है दिखाओ बोला। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आइए आइए बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम लोग क्या फिरंगी सामान गुड मॉर्निंग करते रहते हो रे? सीताराम बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। अरे बेटा आ गया, सफर कैसा? सब ठीक ठाक था ना? हाँ 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 बढ़िया बढ़िया। और बेटा बिजली कैसी है? बिजली तो बढ़िया, अभी सब जगह बढ़िया ही आ रहा है। Oh no! यार ये भैरव मामा ना तो लफड़ा खड़ा कर दिया सही में। ये पानी इनको दे दे। क्या बोल रही है? अरे हाँ हाँ वो टुक टुक सही बोल रहा है सही बोल रहा है, कमरे का बोर्ड खराब हो गया तो उससे करंट मार रहा था। अच्छा अच्छा कूलर कितना कूलर चलाते तुम लोग? हाँ इधर कूलर कूलर नहीं जी कूलर नहीं कूलर नहीं कूला 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 बिजली बिल इतना आता है ना कूलर से कहा जाता है हमारा पूरा। अच्छा अच्छा ऐसा बोलो ना तो जी तोतली जबान। अच्छा अच्छा बिजली के भैया हो भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और टुक टुक जाओ भैया के लिए थोड़ा चाय पानी का प्रबंध करो। और घर वर कैसा है हमारा? बढ़िया 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 मस्त है मस्त है, घर तो बढ़िया एक नंबर। और बेटा रिश्ता पक्का समझा है? जब तुम्हें घर वर पसंद आ गया तो और बताओ तारीख वारीख कब निकालना है वो भी बता दो, वो भी चर्चा कर लेते हैं आज। शादी वादी मेरे को क्या मालूम रे भैया, यार मैं तो बिजली का बिल बांटने वाला हूँ बस। मेरे को पूछ रहे कब करना है शादी, आप देखो आपको कब करना है तो। अरे वाह बेटा वाह वाह वाह,
बहुत बढ़िया सब चीज हमारे ऊपर ही छोड़ दिए, ऐसे रिश्तेदार ना टट्टी का लोटा ढूंढने में भी नहीं मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तम विचार है तुम्हारे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो जाना रे भगवान, चुप हो जा, ये मराएंगा। तो एक काम करते बेटा, अपन फागुन के महीने में शादी करेंगे, तब तक मेरे धान भी बेच के हो जाएगा, अच्छे खासे पैसे पानी भी आ जाएंगे, धूम धड़ाके से कराएंगे हमारे भांजे की शादी। बैगन, इनके कहने का मतलब ऐसा है कि फागुन फागुन के महीने में बिल भर देंगे, तब तक ऐसे धान वान भी बेच के हो जाएगा, तो पैसा वैसा आ जाएगा, तो हम आपको बिल भर देंगे बिजली का, कहने का मतलब ऐसा। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, आप लोग बिजली में और क्या क्या चलाते हो? अरे क्या बोल रहे टुक टुक ये? अरे मामा ये पूछ रहे हैं घर में क्या क्या चलाते हो, बिजली में क्या क्या सुख सुविधा है अपने घर में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुख सुविधा, अच्छा अच्छा बताओ, मैं तो फट से देंगे। कुछ नहीं, बस लाइट बस जलाते हैं, कुछ नहीं जलाते, सिंगल पॉइंट का मीटर है ना, हमको भी पता है, बस लाइट बस चलता है, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे तू चुप बैठ रहे, तेरे को कुछ नहीं मालूम, इतने बड़े लड़की दे रहे तो कुछ पूछेंगे नहीं घर में क्या क्या सुख सुविधा है, क्या है क्या नहीं है, तो तू चुप बैठ भाई। कुछ अजी, हमारे घर में सब कुछ है, हमारे घर में टीवी है, फ्रीज है, 2 ठो कूलर है, 4 ठो पंखे है, 16 ठो लाइट है, और अभी 2 ठो मोटर भी लिए, और एक 60,000 का बोर करवाए घर पे, और कितना सुख सुविधा होना जी, इतना बड़ा घर है हमारे पास खुद का, इतना सब कुछ चलाते हो तुम लोग, वो भी सिंगल मीटर में। सिंगल नहीं, 2 मोटर है, दो। फिर तो मीटर काटना पड़ेगा, दूसरा मीटर लगाना पड़ेगा जिसमें ज्यादा पैसा है। अरे भैया प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के पैर पड़ता हूं, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, नया मीटर तो लगाना पड़ेगा, इतना सब कुछ चला रहे हो तुम लोग, नया मीटर तो लगाना पड़ेगा। अरे भैया प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं फिर से हाथ जोड़ो तुम्हारे पैर पड़ो, प्लीज मत करो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, प्लीज मत करो भैया। अरे भंजे तू क्यों हाथ पैर जोड़ रहा है बेटा, मत जोड़ हाथ पैर, अपन लड़के वाले, अपन हाथ पैर नहीं जोड़ना बिल्कुल, कोई लड़की की कमी है क्या? अरे इतना खासा घर है, सब सुख सुविधा है, नहीं देना तो मत दे, हमारे देश में कोई लड़की की कमी है? तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ के लाएंगे बेटा, रोना नहीं, जान दे, जा रहा। तो मीटर कहाँ है बताओ, तुम्हारा मीटर तो काटना पड़ेगा, साले आयते में खा खा के मगरा गए तुम लोग, काहे नहीं मीटर बता? अरे मामा सही में काट रहा है बिजली को। आई ये लाइट कैसे बंद हो गया रे? हमारे वजह से बिजली कट गई। बिजली भाग गई? किसके साथ भाग गई बेटा? मेरी आईसी की तैसी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।